पीएफ डेथ क्लेम की सीरीज में वापस से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, ये चौथी वीडियो है जिसमें मैं खास तौर पे बच्चों के बारे में क्या प्रावधान है डेथ क्लेम के केस में वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। इसलिए मैंने अलग से ही बच्चों के लिए वीडियो बनाई है कि भाई बच्चों के केस के अंदर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक एक्चुअल केस दिखा रहा हूँ। इस एक्चुअल केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बच्चों की डिटेल है, यहाँ पे 327 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि लिखा गया है कि एज 25 साल हो गई है, इसलिए हम आपके पेंशन को क्लोज कर रहे हैं। इतनी चीज समझ गए? ये जो जो चीजें हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप एक्चुअल में केस देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो विडो पेंशन मिल रही है, जो विधवा पेंशन मिल रही है, वो 1307 रुपए है, ठीक। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा वो ये है कि बच्चों को कितनी पेंशन मिलेगी, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके लिए यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो माँ को पेंशन मिलती है उसका आधा पेंशन बच्चों को मिलेगा। कैसे हम चेक करेंगे? यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे 1307 है, इसको आधा कर दिया, आधा करने से कितना बन गया, आधा करने से 653 रुपये बन गया। अब मान लीजिए मैक्सिमम दिया जा सकता है 2 बच्चों को, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों को दिया जा सकता है। तो अगर 2 बच्चे हैं तो इसी अमाउंट को 2 जगह बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, ये हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है 326 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये से ज़्यादा होता, 50 पैसे से ज़्यादा होता है तो हम अगले रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपको 3 जगह 327 इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि एक जगह बंद हो चुका है, और एक जगह बंद हो गया है तो अब जो है 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को ही 327 रुपये मिल रहे हैं। तो पीएफ के अंदर जो है ना, ये भीख जैसे ही मिलते हैं। अब सोच के देखो कि ये बच्चे के लिए 327 रुपए महीने का क्या होता है, कोई सेंस है इस बात का कि आप किसी बच्चे को परवरिश के लिए 327 रुपए महीना दे रहे हैं? तो इससे तो बच्चे की टॉफी भी नहीं आएगी जितना ये अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ गए? अब हम बाकी प्रावधान डिस्कस करने के लिए हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ले चलते हैं, जहां मैं आपको बाकी प्रोविजंस लिख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला प्रोविजन ये समझ लीजिए कि पीएफ के अंदर जब भी पेंशन मिलती है तो बच्चों को जो पेंशन मिलती है वो मैक्सिमम 2 ही बच्चों को मिलती है। तो अब इसका मतलब क्या बना, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो क्या बाकियों को पेंशन नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको केस अभी दिखाया कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो हमें डेथ क्लेम में सभी बच्चों की डिटेल डालनी है। मान लिया कि 5 बच्चे हैं तो पांचों की डिटेल डालनी है। इसमें से जो सबसे बड़े वाले 2 बच्चे होंगे, पहले उनको पेंशन मिलेगी। जब ये 25 के कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पे क्लोज लिखा आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, क्लोज लिखा आ जाएगा। फिर आने वाले आगे वाले बच्चों को दिया जाएगा। अब देना ही कितना है, 350-400 रुपए दे रहे हैं तो इसमें इनका क्या जा रहा है? तो यहाँ पे इस तरह से प्रावधान ये है कि 2 बच्चों को शुरुआत में दिया जाएगा, अगर 2 बच्चों का कंप्लीट हो जाता है 25 साल तो उसके बाद उनको मिलना बंद हो जाएगा, फिर आगे आने वाले बच्चों को मिलेगा। क्या यहाँ पे अडॉप्टेड बच्चों को भी पैसा मिलेगा? हाँ, अगर आपने किसी को लीगली अडॉप्ट किया है, जैसे मान लो कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं करी है, आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसमें फादर नेम में या उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर में आपका फादर नेम के तौर पे लिखा हुआ है, या आपने लीगल तौर पे अडॉप्ट किया हुआ है, तो भी अडॉप्टेड बच्चे को भी यहाँ पे चिल्ड्रन वाला बेनिफिट मिलेगा। क्या अगर बच्चा विकलांग है तो उसको पेंशन मिलेगा? हाँ, विकलांग मतलब परमानेंट अगर डिसेबल है बच्चा, तो उस केस में यहाँ पे परमानेंटली उसको पेंशन मिलेगी। कब तक मिलेगी? इसके लिए 25 साल की एज नहीं है, इसके लिए परमानेंट जब तक वो जिएंगे, बच्चा जब तक जिएगा, चाहे वो मान लो 5 साल का है और उसको कोई विकलांगता है, परमानेंट विकलांगता है, तो चाहे वो 70 साल तक भी जिए तो भी उसको पेंशन मिलती रहेगी। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जैसे कि वाइफ के लिए कोई लिमिट नहीं है। वाइफ जब तक अनमैरिड रहती है तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी, अगर वो मैरिड हो जाए या फिर अगर वाइफ एक्सपायर हो जाए तो उस केस में वाइफ वाली पेंशन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों वाला ये प्रोविजन समझ ले, और भी चीज़ें बताने की है, ध्यान से समझना। बच्चों के केस में यहाँ पे 18 साल की एज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो यहाँ पे देखनी होती है। अगर बच्चा 18 साल से कम का है, अगर ये कम का है, कम, ठीक है, अगर ये कम का है और ये ज़्यादा का है, अगर ये ज़्यादा का है तो बच्चे का बैंक अकाउंट जो है ना उसमें माँ का नाम नहीं होगा, बच्चे का अकाउंट सेपरेट खुलेगा। अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो वो गार्जियनशिप में खुलेगा, जैसे यहाँ पे बच्चे का नाम फर्स्ट नेम में होगा और साथ में ही माँ का नाम होगा, समझ गए। ये सारे खाते जो है एक ही जगह खोलने हैं,
जहाँ पे माँ का खाता होगा वहीं पे बच्चे का भी खाता होगा। 18 साल वाला प्रोविजन ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझिएगा कि अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो बैंक खाता अलग खुलेगा, कम का है तो गार्जियनशिप में माँ का नाम रहेगा, अगर ज़्यादा का है तो माँ का नाम नहीं रहेगा, फिर एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा। मान लो कि पहले वो कम का था, मतलब मान लो 15 साल का था, उसके बाद वो 18 का हो गया, तो हमें क्या खाता बदलना पड़ेगा? नहीं, खाता नहीं बदलना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे गार्जियनशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है 18 का जब कंप्लीट होते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन 18 साल के लिए वो ये है कि आपका जब डेथ क्लेम के लिए आप अप्लाई करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तब तो बात अलग है, मैं यहाँ ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो ऑफलाइन में अगर वो बच्चा 18 साल से कम का है तो जॉइंट फोटो लगती है। जॉइंट फोटो किसकी लगेगी? मान लो मम्मी है और उनके दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे तीनों की एक ही जगह फोटो लगेगी, समझ रहे हैं? ये जरूरी चीज़ है। मैं पिछले हफ्ते गया था तो वो एक लड़की आई थी वहाँ पे, तो वो उसका सारा फॉर्म कंप्लीट था लेकिन उसको फॉर्म को वापस कर दिया गया और ये कहा गया, पीएफ अधिकारी ने मेरे सामने ही उसके फॉर्म पे ऐसे फोटो चिपका के दी कि यहाँ पे फोटो चिपकाओ। ठीक है, तो इस तरह से फोटो चिपकाने वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रहती है, जॉइंट फोटो होनी चाहिए अगर 18 साल से कम के बच्चे हैं तो। ठीक है, फोटो कैसे होगी? फोटो यहाँ पे एक मान लो ये A4 शीट है, ठीक है, यहाँ पे तीनों जनों की एक फोटो हो जाएगी जॉइंट फोटो, और फिर अलग अलग फोटो पासपोर्ट साइज लगानी पड़ेगी, समझ आ रहा है? यहाँ पे तीन चेहरे हैं, यहाँ पे माँ का चेहरा है, यहाँ पे बच्चों का चेहरा है। अगर बच्चे मान लो 5 से ज़्यादा हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? पाँचों का चेहरा यहाँ नज़र आना चाहिए, प्लस यहाँ पे पांचों बच्चों की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया, ये जरूरी है, इसके चक्कर में आपको वापस भगा देगा तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजन जो 18 साल का है वो ये है कि अगर मान लो 18 साल से ज्यादा का बच्चा है तो उसके लिए आपको अगर 10D भरना है तो सेपरेट 10D भरना पड़ेगा हर बच्चे के लिए। अब ये सेपरेट 10D क्या होता है? जो आपका डेथ क्लेम का फॉर्म होता है ना, उसमें तीन हिस्से होते हैं, PF, EDLI और 10D। तो यहाँ पे 10D आपको अलग से भरना पड़ेगा अगर बच्चा 18 साल से ज़्यादा है। अगर बच्चा 18 साल से कम है तो फिर सिंगल एक ही फॉर्म के अंदर में सारी डिटेल भर के दे दी जाएगी और उसी डिटेल के बेस पे उनको 10D का अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन अगर बच्चा 18 साल से ज़्यादा है तो 18 से 25 तक ही उसे मिलना होता है। मान लो कि एक बच्चा है जो 18 साल से कम का है तो उसके लिए एक सिंगल फॉर्म जो मम्मी का फॉर्म भरा जा रहा है वो भर दिया जाएगा, और जो 18 साल से ज़्यादा वाला बच्चा है उसके लिए अलग से 10D भरा जाएगा। अब ये फॉर्म कैसे भरा जाए मैं ये भी आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अभी जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ये समझ लो, तभी जाके जब मैं फॉर्म भर रहा हूँगा तो आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बच्चों के बारे में अगला पॉइंट जानना ज़रूरी ये है कि अगर बेटी है तो बेटी को भी उम्र जो है 25 साल तक पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर बेटी की शादी आपने 25 साल से पहले कर दी तो नियम के हिसाब से उसको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अब कौन बताएगा पीएफ ऑफिस को कि भाई इसकी शादी हो गई है? तो वो आपकी ईमानदारी के ऊपर है, आप बताना चाहें या नहीं बताना चाहें। और मिल भी कितना रहा है, 350 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, तो ये महीने के मिलना बंद हो जाएंगे अगर बेटी की शादी हो जाती है। क्या बेटे की शादी हो जाने पे बेटे को भी मिलना बंद हो जाएगा? नहीं, बेटी को इसलिए मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि ये माना गया कि अभी बेटी किसी और के घर चली गई तो अब डिपेंडेंस खत्म हो गई। जैसे कि 350 रुपये में तो बड़ा जो है बेटी खिलखिला रही होगी कि हमें 350 रुपये या 400 रुपये मिल रहे हैं, तो ये उसको भी बंद कर देते हैं कि भाई अब तो इसकी शादी हो गई, अब इसका पति इसे संभाल लेगा, अब हम इसे पेंशन देना बंद कर देते हैं। तो ये जो सारे प्रावधान हैं ये बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हैं, जो मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताए हैं, जो मैंने यहाँ आपको वीडियो बताई है, ये आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप कहीं भी इसे सर्च कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करके सारी एक जगह पे जानकारी दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? 10 में से कितने इस वीडियो को नंबर देंगे ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर चैनल अच्छा लगता हो, देखो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, इसके लिए हज़ारों नहीं लाखों लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे ये वीडियो उन तक तभी पहुँचेगी जब ये चैनल बड़ा होगा। तो इस चैनल को बड़ा करने में हेल्प कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।